आ गई अपनी टिक्की। वाओ अल्मोड़ा से छोटा है चैनल, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों ये मैं जाकिर हुसैन के साथ जा रही हूँ। गाइस सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ, और जितने भी हमारे पहाड़ी भाई बहन और जितने भी जो भी पहाड़ी लोग हैं उन लोगों को हैप्पी गुगती। और दोस्तों अभी क्या है कि आज से शुरू हो गया है उत्तरायणी कौतिक, आपको इस सब इसके बारे में ज़रूर से मालूम होगा। तो उत्तरायणी कौतिक के लिए हम जा रहे हैं वहीं, और वहां पहुंच के दिखाएंगे आपको कि वहां क्या क्या होता है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल दो हम लोग हैं लखनऊ में, बट स्टिल हम यहां पर सारे पहाड़ी मिल करके अपने इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आप पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है। लेट्स गो। और दोस्तों मम्मी इस अटायर में इसलिए हैं क्योंकि मम्मी जो शोभा यात्रा निकली थी इस कौतिक के लिए उसका पार्ट थी, और ये सब ताई जी लोग, वो आमा, ये सब, ये आमा हमारी, ये सब एक टीम है। तो ये सब लोग उत्तरायणी कौतिक की जो शोभा यात्रा निकली थी, कलश यात्रा जिसको भी बोलते हैं, तो उसका पार्ट थे। तो ये लोग उसी यात्रा में सब लोग यहाँ पर आए, और उसके बाद वो जो मैंने अभी आपको इससे पहले रिकॉर्डिंग दिखाई थी वो सारा डांस वगैरह हुआ यहाँ पर। तो अब चलते हैं दोस्तों। ये तो था शोभा यात्रा का पार्ट जिसको पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया था। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारे स्टॉल्स की, हमारे उत्तराखंड के में जितने भी छोटे छोटे सिटीज़ हैं उनका, मतलब उनमें क्या क्या, मतलब किस किस नाम से यहाँ पे बाजारें लगी हुई हैं, सबका नाम है। तो चलिए चलते हैं और वो दिखाते हैं आपको, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें इस बाज़ार में अवेलेबल हैं। अब चलते हैं दूसरी बाज़ार पे और दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या क्या है। तो ये हैं सब रस, ये सारे जूस हैं, माल्टा का, मैंगो का, बुरास का, और पुदीना, बहुत सारे, लेमन भी होगा इसमें। और ये सारे अचार हैं, सब पहाड़ी अचार हैं। ये आपको गोपेश्वर बाज़ार यहाँ पे आपको मिलेगा इसे। आगे चलते हैं दिखाते हैं और क्या क्या है। ये है हमारा मुंशारी बाज़ार, आप देखेंगे मुंशारी बाज़ार। तो ये भी लग रहा है, ये भी लगा नहीं है, तो क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए भी बहुत सारे बाज़ार लगे नहीं हैं, तो वो भी लग जाएंगे। तो उसके बाद अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि कहने को यहाँ पे बहुत सारे बाज़ार हैं, बट अभी क्या है ना, पहला दिन है तो सब लोग आए नहीं हैं, तो मे बी हो सकता है कल से और सारी बाज़ार जो बचे हुए हैं वो भी लग जाए। तो चलिए आपको दूसरा दिखाते हैं क्या है। इस ये है थलकी बाज़ार, वाला गाना सुना है ना आपने, थलकी बाज़ार बजूची को थलकी बाज़ार जो भी है, मतलब ये मेरे को गाना बहुत ठीक से आता नहीं, बट हाँ ये एक गाना भी है। तो आप देखेंगे ये वो है, यहाँ पर है जोशी जनरल स्टोर जहाँ पे सारा पहाड़ी सामान अवेलेबल है, भटकी दाल, गोहत की दाल, और क्या बोलते हैं, राजमा और बीन, पहाड़ की मसूर, गडरी और मूली, नींबू, और क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और मटबे का आटा, ये सारी चीज़ें जोशी जनरल स्टोर में थलकी बाज़ार में आपको मिलेगा। और उसके बगल में ये हमारी कश्मीरी, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है अल्मोड़े की लाल बाज़ार,
अल्मोड़े की लाल बाज़ार में ये सारे ऊनी कपड़े गर्म सूट ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ से मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था बट हाँ आगे से किया था, यहाँ से नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा है। अभी आगे बागेश्वर बाज़ार वगैरह भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये फूड स्टॉल्स हैं, इनकेस जैसे एंट्रेंस से ही स्टार्ट हो जाते हैं इनकेस किसी कुछ खाना पीना हो। नॉर्मल स्टॉल्स हैं जो अभी भी कुछ तो अभी भी सज रहे हैं, लग रहे हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत सूट की दुकान, ये भी लगा नहीं है, ये लग रहा है, ये लग चुका है क्योंकि आज पहला दिन है ना गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया पहला दिन है तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे स्टॉल्स अभी भी सज रहे हैं, लग रहे हैं। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली कल तक सारा कुछ रेडी हो जाएगा और बहुत अच्छा दिखेगा। बहुत खाली दिख रहा है क्योंकि क्या है ना, यात्रा तक तो सब थे यहाँ पर, उसके बाद सारे चले गए। यहाँ से हम रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, आपको दिखाएंगे। सोमवार की ये बात थी, मंगलवार को उस बच्चे ने थोड़ा सा गुलाब के तरह उसकी रानी खेत बाजार उसकी डेथ हो गई। उसी रानी खेत बाजार है, मतलब बाजार एज ए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि रानी खेत बाजार तो रानी खेत से कोई आया होगा, नहीं। कि एक पर्टिकुलर स्टॉल में, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्होंने तीन चार शॉप्स दी हुई हैं और उनको अपने उत्तराखंड के जो सिटीज़ हैं उनका नाम दिया हुआ है। उसमें स्टॉल्स कोई भी लगा सकता है, बीट कश्मीर से कोई आया है या कोई जयपुर से आया, कोई भी लगा सकता है। बात बस इतनी सी कि इन्होंने उस एरिया को अपने उत्तराखंड की सिटीज़ का नाम दिया, जैसे उसको दिया हुआ है रानीखेत का, इसको दिया है बागेश्वर का। आगे अगर आपको दिखाएंगे तो देहरादून की पल्टन बाज़ार भी है, ये देखिए देहरादून पल्टन। और उसके आगे अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर नैनीताल की बाज़ार भी है। ऐसे करके काफ़ी सारी, मतलब नाम दे करके बाज़ारों को यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये है, ये मतलब पता चले कि हाँ उत्तरायणी कौथिक है। तो ये देखिए ये पर्वती महापरिषद द्वारा जो है इसको स्पॉन्सर किया गया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया, सॉरी। ये अपना पूरा क्या लग रहा है, तो ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे आगे बहुत कुछ होना है। ये तो 23 तक है, आज से स्टार्ट हुआ है, 23 तक रहेगा। आप लोग को आना हो तो प्लीज़ ज़रूर आइए, आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारे पहाड़ी फंक्शन यहाँ पर होंगे, कोई भी पहाड़ी फैमिली रिलेटिव्स बहुत टाइम से मिले ना हो, मतलब गाइस जी की साल भर हो गया मिले ना हो या बहुत महीने हो गए मिले ना हो, यहाँ आ जाइए, आप उनसे मिल जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी अभी अभी एक्सपीरियंस करी। एक मामा है मेरे, उनसे बहुत टाइम से नहीं मिलती और आज उनसे मिल गए, क्यों, क्योंकि वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, मिले, अच्छा लगा। तो आप भी आ जाइए। तो गाइस अभी बहुत देर से घूम रहे थे, अभी मम्मी ने बोला आकर के स्टॉल के पास कुछ खा लो, देख लो कुछ खाना है तो या कुछ पीना है, तो अभी उधर ही जा रहे हैं। और ये भाई है मेरा, इसने तो ऐसे मास्क पहना है जैसे सारा कोरोना इसके मुंह के अंदर घुस जाएगा। एनीवेज जा रहे हैं और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या है खाने को, ठीक है, लेट्स गो। मम्मी बैठी हुई है, यहाँ पैसों की वो चल रही है, कौन कितने पैसे देगा, किसने कितने कितने दिए, किसने कितना खाया करके एक चाय, हमने भी एक पकौड़ी खाई, एक चाय की एक पकौड़ी खाई, और मम्मी के लिए चाय आ रही, भाई जी के लिए भी चाय आ रही, आ गया वो। क्या खाने बताओ, इसी आ गई अपनी टिक्की, वाओ इट्स सो टेम्पटिंग। ये सब्सक्राइबर्स के लिए, भाई ये छोटा है मुझसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे थे, कुछ खा पी रहे थे और अभी ये अपना भाई बैठा है साथ में, भी कुछ खा रहा है। तो क्या कहते हैं, ये तो मुंह छुपाने वालों में से है, इधर देखो। अच्छा ठीक चाचा। ये इतनी देर के बाद चाचा मिले और वो भी अब जा रहे हैं। और बस आपको एक राज की बात बतानी है, बहुत बहुत बड़ा राज की बात है, ये आप कभी भी मतलब किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होगा। ये जो टोपी देख रहे हैं जो चाचा ने पहनी है, बता रही अच्छा इसकी सच्चाई, सिल्वर जुबली, सच में 25 साल हो गए, ये 25 साल पुरानी टोपी है। चाचा दिखाओ, चाचा दिखाओ, ये देखिए ये जो टोपी है ना, ये 25 साल पुरानी है, मतलब जब हम
बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, बहुत छोटे, मतलब हाँ केजी वेजी में पढ़ते होंगे यार, शायद स्कूल जाना शुरू ही किया था तब से चाचा के पास है, और लिटरली अभी तक वैसी वैसी, मतलब आप गौर से देखिए कहीं से फटी तक नहीं है इसका, मतलब इस टोपी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ है, ये इतनी पुरानी टोपी है। अरे चाचा अभी हम आ रहे हैं घर, ठीक है, निक्की और मैं भी आ रहे हैं। तो ये चाचा की वो टोपी है दोस्तों। तो एनीवेज मेरा तो मैं यहाँ पे गोल्डन, हम भी चलेंगे। चुप रहो। आपके काम के जी जी पढ़ा था कि उन्होंने अपने इतने कीमती समय, अगर देहरादून जाता हूँ इसे बहुत ही अच्छा सा पहाड़ी डांस होने वाला है जिसको छोलिया नृत्य कहते हैं, तो वो आपको अब दिखाते हैं, बस जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे। इस उत्तरायणी कोटि में आपको एक प्रतियोगिता रखी गई है छपेली, हमारे जो उत्तराखंड की जो छपेली है, जो छपेली खत्म हो चुकी है धीरे धीरे। इस डांस स्टार्ट हो गया, देखने के लिए तैयार हो जाइए। 1 2 3 स्टार्ट। कैसा लगा आपको डांस? वैसे यार ये ना हमारे जो कुमाऊं का ना बहुत ही फेमस छोलिया नृत्य कहते हैं इसको, और ये जो डांस परफॉर्म करते हैं ना इन लोग को छुलेती कहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा छोटा डांस था बिकॉज ये एक्चुअली चीफ गेस्ट को वेलकम करने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए होते हैं। तो पहाड़ी शादियों में तो आपने देखा होगा बारात वरात भी जो जाती है वो इन्हीं के उससे जाती है, तो वहाँ का बैंड सिस्टम यही होता है बेसिकली। ये वो जगह है जहाँ पर मेला लगा हुआ है, यहाँ लगा है मेला, और ये है गोमती रिवर, इसलिए इस जगह को नदिया के पार भी कहा जाता है बिकॉज दिस इज नदिया एंड दिस इज नदिया के पार। ये था अपना आज का, अभी बहुत थोड़े मतलब छोटी मोटी चीज़ें बाकी हैं बट वो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है क्योंकि कुछ चीफ गेस्ट हैं वो आएंगे, फिर उनका माल्यार्पण होगा, वो अपना कुछ भाषण देंगे, कुछ बताएंगे, तो वो सब क्या रिकॉर्ड करना, तो जो भी परफॉर्मेंसेस हैं अच्छी अच्छी वो कल होंगी, कल वापस से आएंगे और आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ठंडा भी बहुत हो रहा है और लेट भी हो चुका है, आपको मिलते हैं कल, टिल देन बाय। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कोई कमी पेशी रह जाए ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय, टेक केयर।